सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। मेरा नाम सुशीला खलको है, मैं टुकी टोली से हूँ। मेरी गवाही है मेरे पुरखौती जमीन को लेकर के। 2020 में मेरे जीवन साथी के डेथ होने के बाद में, 4-5 महीने के बाद में दलाल लोग वहाँ पर ही कब्जा कर लिया, पूरा घेरा कर लिए और घर सभी बना लिए थे। अब मेरा एक मतलब मैं एक डीलर हूँ, तो दुकान जाती थी उसमें भी फोन आता था कि जमीन में कब्जा कर ले रहे हैं दलाल लोग, तो मैं दुकान बंद करके दीवार तोड़ने के लिए चली जाती थी। मेरे परिवार वालों वाले भी जाते थे। इस प्रकार से बहुत परेशान होती थी, कभी कोर्ट जाओ, कभी कचहरी जाओ, कभी थाना जाओ, कहीं कोई बात सुनवाई नहीं होती थी। बाद में फिर मेरी ननद ही बोली कि भाभी आप प्रार्थना योद्धा में प्रार्थना मांगिए, वचन मांगिए। तो मैं वैसे ही कि और हमें मिला, और उसके बाद में हम अपने बच्चों को लेकर के संध्या वंदना में बैठते थे और रोज दिन प्रार्थना को हम लोग दोहराते थे, वचन को पढ़ते थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे बाद में फिर जमीन माफिया लोग क्या करने लगे, पूरा घर बना लिए। घर बनाने के बाद में हम लोग पूरे परिवार वाला लोग गए, और उसके बाद में हमारे तरफ से जो लोग थे, हमारे पक्ष में जो लोग थे, विरोधी लोग लोग गोलियां चला दिए और दो बच्चों को लगा पैरों में, और फिर तुरंत उसको हम लोग घर वाले लोग ले गए रिम्स। उसके बाद में फिर वहाँ ठीक हुआ, और उनका कहना था कि तुम ही लोग मतलब गोली चलाए हो, हम लोग अपने ज़मीन में कैसे गोली चला सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे दोनों दीवार का जेल हो गया, वे लोग जेल चले गए, 1 महीना थे। उसके बाद में फिर मेरी ननद को हम फिर फ़ोन किए, कैसे ऐसे बात हो गया, तो फिर वो हमको बोले कि तुम वचन मांगो, तो हम वचन मांगे यहाँ से, और फिर हम लोग प्रार्थना करने लगे अपने बच्चों के साथ में। और इस प्रकार से 1 महीने के बाद में दोनों देवर की रिहाई हो गई। ईश्वर को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। अब मेरी दूसरी गवाही है, मेरा बेटा नेरिन बहुत नशा कर लेता था पहले, बहुत गलत संगति में था और परेशान रहते थे हम लोग दोनों माँ बेटी कि बेटा का मन किसी तरह परिवर्तन हो जाए, तो वचन मांगे। इन्हीं साल मार्च में 3 तारीख रात को 3 बजे रात से बेटा को अच्छा नहीं लगने लगा, पागल की तरह होने लगा। माँ जी, उस भाई के विषय में करिए कि आप स्टेज पे आ सकते हैं। तब उसके बाद में बोला कि मम्मी हमको प्रार्थना योद्धा ले जाओ। फिर सवेरे मैं 6 बजे यहाँ फोन की, तो हमको बोले कि कुछ देरी के बाद में क्या बोलते हैं आप लोग आइए। मैं उसको यहाँ ले करके आई, मेरी नाना मेरी गोतनी थी, फिर प्रार्थना होने लगा। उसके बाद में फिर ले गए इसको बेटी के पास में। बेटी के पास में लेने के बाद में बेटा सुमित और यहाँ जितने भी बेटे लोग थे, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे माँ ने निवेदन चढ़ाया था अपने बेटे के लिए कि वो नशे में चले गए थे। क्या भाई ऐसा ही है? हाँ सही है। उसके बाद में फिर बेटा सुमित और यहाँ जितने भी बेटे लोग थे, बड़े बोझ के साथ में मेरे बेटा के लिए प्रार्थना की है, और बेटा ठीक हुआ। ईश्वर बहुत तरह से आशीष दे इस प्रार्थना योद्धा को, और यहाँ जितने भी बेटे बेटियाँ हैं सबों को ईश्वर बहुत आशीष दे। धन्यवाद। धन्यवाद।